दिवाली के नजदीक आते ही लोग अपने घर कार्यालयों की साफ सफाई और रंगाई पुताई में जुट जाते हैं। लेकिन इस बार लोगों को ये रंगाई पुताई काफी महंगी पड़ रही है, क्योंकि रंगाई पुताई का सामान 15-20% तक महंगा हो गया है। ये बढ़ोतरी पेट्रो पदार्थ और केमिकल रेट के बढ़ने से हुई है। एक तरफ घर की रंगाई पुताई से आम आदमी दूर भागता दिखाई दे रहा है, तो दूसरी तरफ मार्केट में रंगाई पुताई का सामान बेचने वाले दुकानदारों का काम भी पहले के मुकाबले कम नजर आ रहा है। देखो जी, पेंट पे 10-15% की तेजी है और मार्केट में ग्राहक का उठाव नहीं है। लोग कोविड की वजह से सहमे हुए हैं, महंगाई ज़्यादा है, इसलिए लोग और जो हमारी लेबर है वो और ज़्यादा महंगी है। लोग सहमे हुए हैं कि कहीं तीसरी वेव ना आ जाए, इस चक्कर में वो जो व्हाइट वॉश है वो नहीं करवा रहे। रिनोवेशन का सामान बेचने वाले दुकानदारों ने बताया कि जब से लॉकडाउन लगा है तब से उनका काम बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। पिछली दिवाली पर भी काम अच्छा नहीं निकल पाया था, उम्मीद थी कि इस दिवाली पर अच्छी सेल होगी, लेकिन रिनोवेशन के सामान की कीमत करीब 20% तक बढ़ गई है, जिसकी मुख्य वजह पेट्रोल और डीजल के भाव में बढ़ोतरी होना है। इससे ट्रांसपोर्ट का किराया बढ़ गया है। इसके अलावा चीन से आने वाले रॉ मटेरियल पर भी रोक लगा दी गई है, जिसके चलते कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। रेट ऐसा है जी, लॉकडाउन का कुछ इफेक्ट है, क्योंकि कंपनीज बिल्कुल ही निम्न स्तर पर आ गई थी, तो उसके बाद अब पेट्रोल का जो प्राइस है वो भी बढ़ा हुआ है, तो पेट्रोल का प्राइस बढ़ने के साथ साथ जो कैरेज है वो भी, फ्रेट है वो बढ़ा हुआ है, तो जो लोडिंग अनलोडिंग चार्ज है वो भी बढ़ गए हैं इस वजह से। अपने कार्यालय और घर में व्हाइट वॉश का काम करवाने वाले अनिल गुप्ता ने बताया कि पहले और अब में काफी अंतर आ चुका है। रंगाई पुताई का जो काम पिछले साल उन्होंने करीब 32,000 रुपए में कराया था, वो अब की बार 50,000 रुपए में हुआ है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों का ये असर हर क्षेत्र पर पड़ रहा है। उसमें फर्क तो पड़ा ही है जी, क्योंकि डीजल पेट्रोल महंगा होने से जो आवागमन फर्क पड़ा है, जो ट्रांसपोर्ट में महंगाई आई है, उससे सभी चीजों पर असर तो पड़ा ही है। रंगों में इस्तेमाल होने वाला थिनर केमिकल लॉकडाउन से पहले 130 रुपए प्रति लीटर था, जिसकी कीमत आज 170 रुपए प्रति लीटर हो चुकी है। वहीं ऑयल पेंट पर प्रति केजी करीब 20 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। 1 किलो ऑयल पेंट जो पहले 175 रुपए का आता था, वो अब 190 के पार जा चुका है। इतना ही नहीं, रंगाई पुताई करने वाला ब्रश जो पहले 20 रुपए तक का मिल जाता था, वो अब 40-50 रुपए तक का मिल रहा है। फरीदाबाद से रुस्तम जाखड़ की रिपोर्ट, ETV भारत, हरियाणा।